हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है घर से, और अभी बजे हैं सुबह के 7, और बेटी गई है वॉक पे, और किसी ने बजाई बैल ऊपर वाले भैया ने, और मैंने खोला, और मार्टिन हमारा भागा जीने में, और मार्टिन उसके ऊपर भौंकने लग गया। तो कहने लगे पकड़ लो पकड़ लो। आज तो हमारा मार्टिन उसको भैया को ऊपर वाले को काट लेता सुबह सुबह। मार्टिन हमारा इतना शैतान है। तो ये बैठा है हमारा मार्टिन, और अभी हमने चाय वाय कुछ नहीं बनाई। हस्बैंड गए हुए हैं अभी वहाँ गाँव राजस्थान, अभी तक ये सुसु पोटी भी करके नहीं आया। सुबह के 7 बज गए, वरना ये सुबह 4 बजे पूरे में वॉक करके आ जाता है, और पोटी सुसु सब करके आ जाता है। और ये इतना शैतान हो रखा है, इसने ये जगा भी नहीं रहा, और उनको 4 बजे उठा देता है कि मेरे को सुसु पोटी आया है, और हमें कुछ भी नहीं कह रहा। 7 बज गए, आराम से पड़ा हुआ है यहाँ पे। देखो कैसे पड़ा हुआ है। ये देखो, ये है मार्टिन भाई साहब। ये देखो, ये ऐसे पड़े हुए हैं ये कंबल के ऊपर, और इनको आ रही है नींद, और आज इनको सुसु भी नहीं आ रही और पोटी भी नहीं आ रही। देखो, और ये सो रहा है इसका भैया, और अपने भैया को बिल्कुल नहीं जगा रहा। ये देखो, ये देखो मार्टिन भैया, ये आई है इसकी दीदी मार्टिन की, और ये मार्टिन को देखो। मार्टिन, दीदी आ गई तेरी, दीदी आ गई। ये आई है मार्टिन की दीदी, और ये देख कुछ कुछ। ये बन गई मेरी चाय, ये हमारी चाय, ये मेरी और ये मेरे बेटे की। और बेटी ने कर दिया मना चाय पीने से। ये देखो, ये खड़ी, ये कह रही है मेरे को चाय नहीं पीनी, और बेटा कह रहा है मम्मी थोड़ा सा आधा कप चाय दे दो। तो ये आधा कप है उसका, बाकी मैं ले लूंगी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ना यार मेरे को चाय थोड़ा सा ना, जब तक 2 कप नहीं लूँ ना, जब तक मेरे को थोड़ा सा ये लगता है कि मैंने कुछ पिया ही नहीं। और हस्बैंड जब से राजस्थान गए हुए ना, 2 दिन हो गए उनको, कल गए थे, कल सुबह ही गए थे, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सुबह में भी ऐसे लग रहा था, और मार्टिन की भी, और मोटर वोटर, क्या पता नहीं क्या बोल रहे, मोटर वोटर भी वही चलाते हैं। तो सुबह सुबह हम लोग इतना जल्दी जगते नहीं है। आज तो थोड़ा सा ये है, थोड़ा पहले जगना पड़ा, क्योंकि मार्टिन की भी बड़ी प्रॉब्लम है, वरना हस्बैंड ले जाते तो मार्टिन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मार्टिन क्या हुआ, पापा कहाँ गए, कहाँ गए पापा, पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए। और हमारा मार्टिन ऐसा हो रहा है, एकदम से उदास सा हो रहा है जब से पापा गए, क्योंकि पापा का बहुत बड़ा लाडला है ये, बहुत चमचा है पापा का। और अभी भी 2 बार फोन करके मार्टिन के लिए बोला है, मार्टिन को दूध दे देना, दही दे देना, खाना दे देना, बस मार्टिन की इतनी ज्यादा टेंशन है उनको। तो मैंने कहा मार्टिन को राजस्थान ले जाओ आप अपने साथ, है ना बेटी। ये देखो, ये बैठा है मार्टिन भाई साहब अपना फेवरेट कम्बल पे, इतनी जल्दी आके उछला। और ये बेटा भी उठ चुका है, इसको सुसु पोटी करा के आ चुका है। ये गुड मॉर्निंग कर दो, गुड मॉर्निंग मार्टिन, गुड मॉर्निंग कर दो, गुड मॉर्निंग कर दो, गुड मॉर्निंग, एक गुड मॉर्निंग करेगा अब मार्टिन, गुड मॉर्निंग करेगा। और ये दीदी पी रही है शेक अपना, बनाया इसने बनाना शेक, कह रही मम्मी मैं तो बनाना शेक पीऊंगी। और ये मार्टिन भाई साहब नीनी नीनी आने की तैयारी हो रही है। ये है मेरी रात की गोभी की सब्जी, मैं बनाऊंगी बाजरे की रोटी। ये सिक गई मेरी रोटी, और ये चढ़ाई है मैंने दोबारा चाय अपने लिए। और ये सब्जी है मेरी गोभी की, और ये मैंने सिर्फ 2 रोटी का आटा, 1 रोटी का ये और 1 रोटी का ये, क्योंकि 2 रोटी मैं खाऊंगी, एक खाएगा बेटा। ये बन गई है मेरी रोटी, और इस पे लगा लिया देसी घी। ये है मेरे बेटे का नाश्ता, ये है बाजरे की रोटी, इसमें घी डाल दिया थोड़ा सा, और ये गोभी की सब्जी। ये है मेरा नाश्ता, बाजरे की रोटी और ये सब्जी, और ये बनाई मैंने अपने लिए चाय। बेटा चाय के लिए मना कर रहा है कि मम्मी मुझे चाय मत देना। और ये आया मार्टिन भाई साहब नाश्ता करने, और ये मार्टिन की रोटी है बाजरे की, आधी रोटी मैंने मार्टिन को देनी है तोड़ के। बेटा ताता है, ताता है बेटा, ताता है, गर्म है भी, और मार्टिन को सबर नहीं हो रही। मार्टिन को बाजरे की रोटी बहुत ज्यादा पसंद है। ये देखो, ये लाई हूँ बाबू मैं तेरे लिए तोड़ के, देखिए येरी, अभी मैं तुझे खिलाऊंगी, ठंडी हो जाने दे, ठीक है। ये कर रहा है बेटा नाश्ता, बेटा कर लो खा के देखो। और ये सो रही है दीदी, क्योंकि दीदी सुबह मॉर्निंग में वॉक पे गई थी, तो कह रही है मम्मी आज मैं सोऊंगी, तो मैंने कहा चल तू सो जा, मैं शॉप पे चली जाऊंगी। अब मैं आ गई हूँ शॉप पे, और अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ,
क्योंकि बहुत ज्यादा कूड़ा इकट्ठा हो रहा था। फिर लक्ष्य को बोला मैंने सुबह मॉर्निंग में, जब मुझे लक्ष्य छोड़ के गया, मुझे हो गया आधा घंटा आए हुए, अभी बजे 10:30, मैं आ गई थी 10 बजे। मैंने बेटे को बोला बेटा कूड़े का डब्बा ले जाओ आप, फुल भरा हुआ है। बेटे ने बोला मम्मी अभी जब महक को छोड़ने आऊँगा, महक आई है हमारी 12 बजे, क्योंकि प्रियंका भी नहीं आएगी आज, प्रियंका ने कर ली छुट्टी क्योंकि उसको कल बारिश हो रही थी ना कल यहाँ पर, तो वो फिसल गई है, उसको चोट लग गई है थोड़ी सी पैर में, हल्का सा मोच आ गया, तो उसको कल मैंने छुट्टी कर दी थी। मैंने आज भी बोला उसको, मैंने फ़ोन नहीं किया उसको कि कोई बात नहीं बेटा जब आप ठीक होंगे तब आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी वो महक आएगी 12 बजे, तो मैंने बोला बेटा कूड़े का डब्बा ले जाना, जब तक कूड़े की गाड़ी आ गई। तो मैंने उसमें कूड़ा फेंक दिया, बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, कल भी वैक्सिंग वगैरह हुई थी, और कल तो मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि बस मेरी हो गई थी हालत ख़राब, तो कल इतनी थ्रेडिंग हुई है बहुत हालत ख़राब हो गई है। अभी मेरे पास भी 2-3 फ़ोन आ चुके हैं ग्राहकों के, 2-3 ग्राहकों के थ्रेडिंग वेडिंग के लिए, मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया। और महक ने किया है एक ऑर्डर ड्रेस, तो मेरे को बार बार फ़ोन कर रही है कि मम्मी मेरी ड्रेस आने वाली है, आप मेरी ड्रेस ले लेना, क्योंकि वो यार बस उसका कुछ नहीं कह सकते, वो देखती है और मंगा लेती है अपने लिए। उसने अमेजोन से मंगाई 2 ड्रेस, एक ड्रेस है या 2 ड्रेस है मुझे नहीं पता, बट वो 2 बार मेरे को फ़ोन कर चुकी है कि मम्मी पैकेट आएगा तो आप ले लेना। तो उसके पैकेट का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आ जाए तो मैं उसका पैकेट ले लूँ, क्योंकि वो मेरी जान खा लेगी। तो सुबह कोरियर वाले का फ़ोन आया था 9 बजे से, और मैं आई हूँ दुकान पर 10 बजे, तो उसने बोला भैया दुकान पर देना आपको, तो अभी मैं वो कोरियर लूँगी और फिर करूँगी झाड़ू पोछा। अभी मेरा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने झाड़ू भी नहीं लगाई अभी तक, और बज गए 10:30, और अभी धीरे 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 कर रही हूँ। तो पर से यार मन नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा थकावट हो रखी है, हस्बैंड गए हुए हैं गाँव, तो उस वजह से ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, पानी की मोटर वाटर सब मुझे ही चलानी पड़ी है, मार्टन के लिए भी उठना पड़ रहा है थोड़ा, आज 2 दिन से मैं बड़ी परेशान हूँ, वरना वो रहते हैं ना तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हमारे इस मकान को 8 साल हो गए लिए हुए, 8 साल में ना मैं कभी आज तक मैंने मोटर नहीं चलाई है पानी की, वो कंटिन्यू भरते आए हैं, अपने आप ही भरते हैं हस्बैंड मैं और मार्टिन को भी। जब से हमारा मार्टिन आया, हमारे मार्टिन को 4 साल हो गई, 4 साल का हो गया हमारा मार्टिन, 4 साल से हस्बैंड ही लेके जाते हैं उसको सुसु पट्टी कराने, सुबह में मॉर्निंग में 4 बजे घुमा के लेके आते हैं। अभी वो 2 दिन घर नहीं है, तो हमारी इतनी हालत ख़राब रखी है सबकी कि बहुत परेशान हो रखे हैं हम, उठा उठा के बेटे को जगाना पड़ता है बहुत ज़्यादा कि बेटा उठो 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 जाओ मार्टिन को सुसु पट्टी। और हमारा मार्टिन भी ऐसा है कि वो उठता ही नहीं है, हस्बैंड को तो जगा लेता है वो, पर हमें तो जगा ही नहीं रहा है वो, हम जबरदस्ती उसको धक्के मार मार के सुबह भेज रहे हैं। आ गया उसका कोरियर पैकेट, आ गया उसकी ड्रेस, ये आ गया इसका पैकेट, यहाँ हो रहा है फॉरवर्ड, ये मंगवाया अर्बैनिक से, और कह रही थी मेरे को अमेजोन से मंगवाया मैंने, लड़की आ चुकी है, और ये रहा इसका पैकेट, खोल के देखा क्या है, तेरी ड्रेस देखें, ठीक है ड्रेस, हाँ ड्रेस है, ये कैसी ड्रेस है भाई, लॉन्ग में है, अच्छा ओ ये फ्रंट ऐसे, अच्छा घुटनों से नीचे, गाउन है क्या ये लॉन्ग वाला, हाँ मतलब लॉन्ग ही मान लो, लॉन्ग ड्रेस, फिटेड ड्रेस, और ये आया है, क्या है, और ये कुछ कैशबैक का है, अच्छा ऐसा है, क्या कैशबैक, 200 रुपये कैशबैक का है, अच्छा मिलेंगे तुझे, ओ मंगाइए इसने ड्रेस, ये देखो इसकी ड्रेस, ये ठीक है क्या, ठीक है इसमें बेकार क्या है, ये देखो ये इसने मंगवाई ड्रेस अपने बर्थडे के लिए, कह रही मैं अपने बर्थडे पे पहनूंगी ये, वैसे तो अच्छी लग रही है, आगे से दिखा, आगे से थोड़ा करना पड़ेगा, वहाँ भी डालनी पड़ेगी, यहाँ से पकड़ो,
नीचे से। और ये गोल्ड ब्लीच, ये हो रहा है क्लीन अप, यहाँ हो गया क्लीन अप। और अब लगा रहे हैं फेस पैक। अब ये सूख गया इनका फेस पैक, अब हम देंगे इस पे मसाज। ये हो गई मसाज, और बस इनका टोनर डालना है, स्किन पे टोनर लगाना है, और बस हो गई इनका क्लीन अप। यहाँ हो रही है बैक मसाज। ये मैंने मंगवाया है अपने लिए आंवला जूस, ये मोदी गेयर कंपनी का है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आंवला हमारे लिए, हमारी हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा अच्छा करता है, क्योंकि ये मैंने 2-3 साल पहले भी पिया था तो मेरा हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई थी। और अब मैंने फिर स्टार्ट किया इसको सुबह मॉर्निंग में, 20 ml हमें लेना होता है इसको, बहुत अच्छा है ये, मोदी केयर कंपनी का है। और अब लग रही है हमें भूख, और हमने किया है काम क्लीन अप और फेशियल, और मैं क्लीन अप थ्रेडिंग अपर लिप फॉरहेड और वैक्सिंग हुई आई थी तो मैंने किया है आज। प्रियंका तो छुट्टी पे है और मेरी बेटी ने हेल्प किया, और अब लग गई है हमें भूख। और सुबह में बाजरे की रोटी और गोभी की सब्जी और चाय पी कर आई थी मैं, उसके बाद में कुछ भी नहीं खाया। और अब बजे हैं शाम के 5:30 हुए इस टाइम, तो अब बेटी कह रही है कि मम्मी कुछ लेकर आओ, तो मैं बोल रही हूँ मेरे का बेटा क्या लेके आऊँ, क्या लाऊँ, कुछ भी ले आओ। अब ये इसको भी भूख लगी है तो ये मेरे से बोल रही है क्या लाना बेटा, कुछ भी ले आऊँ, ये कह रही कुछ भी ले आऊँ क्या करूँ, अब फ्रेश तो चाउमीन बनेगी, चाउमीन ले आऊँ क्या, क्योंकि चाउमीन खाने का मेरा भी मन हो रहा है, क्योंकि कभी कभी मैं कुछ नहीं होता, मेरे को 3-4 महीने हो गए मैंने बाहर का ऑलमोस्ट छोड़ ही रखा है पूरा, तो 3-4 महीने में अब मेरा मन हो रहा है चाउमीन खा लेते हैं, तो देखती हूँ चाउमीन लेकर आती हूँ फ्रेश बनवा के। और क्या करें, भूख तो मिटानी है, क्योंकि रात में भी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा मुझे, क्योंकि एक दो ग्राहकों का फ़ोन आया है, वैक्सिंग है एक तो फुल बॉडी, उसमें भी मेरे को टाइम लगेगा, तो अभी उसका टाइम है 6:30 बजे आएगी वो, तो उसके बाद उससे पहले पहले मैं खा लेती हूँ चाउमीन, ले चाउमीन ला के। फुल प्लेट लिया क्या, देखती हूँ फुल प्लेट ले आती हूँ, क्योंकि ये भी खाएगी और मैं भी खाऊंगी। ये आ गई है चाउमीन, ये प्लेट, दो कांटे और ये मीठी चटनी, और ये ठीक है। अब हो गया मेरा काम, और जो वैक्सिंग आनी थी शाम को 6:30 बजे वो लोग आ चुके हैं, मतलब भाभी आई थी उनके साथ, उनकी फ्रेंड आई थी, और मैंने उनकी वैक्सिंग कर दी, और वो ग्राहक जाग चुका है। अब हो गया हमारे जाने का टाइम, थोड़ी देर बाद में 10-15 मिनट बाद में हम यहाँ से निकल लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और मेरे को भी बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है यार, आजकल मैं थक जाती हूँ डेली, इतना काम काम तो है ही, खेल शॉप पे हम जाते हैं तो काम तो होता ही है, तो सारी करना पूरा सामान समेटूंगी, और अभी करूंगी बेटे के पास फ़ोन, देखते हैं बेटा आएगा कि नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं ई रिक्शा करके और बेटी के साथ चल जाऊंगी,
और अगर बेटा आएगा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम समेटेंगे सामान, मेरी बेटी अंदर अंदर है, पार्लर क्लीन कर रही है वो, क्योंकि पार्लर में बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है। तो मैंने बोला बेटा आप कर दो, मेरे हल्का सा ना बेक में कमर में भी दर्द है, तो हल्का सा हो रहा है मेरे को, ठंड में ना हो जाता है थोड़ा। मैं एक दीदी खिला रही है पनीर अपना, जो ये अपने लिए लाई है, और इसको खिला रही है अपनी फ्रेंड को। ये देखो सारा खिला देगी आज ही, पेट भर जाएंगे इसका, चैन की नींद सोएगी कुल्ली मेरी। ओहो ये है कुल्ली, ये है, ये देखो कुल्ली की पूछे देखो, और ये है महक दीदी की कुल्ली, और ये है महक दीदी ने पूरा टिफिन कर दिया फिनिश, और ये गई तेरी कुल्ली। ये आ गया मेरा बेटा, और हमने इसको पहले बुला लिया, और अभी कुछ भी सामान समेटा नहीं, और इसको देख के देख रहा है। आ जा बेटा आ जा, हाँ अब हो रहा है सेटल डाउन। ये आ गए राजस्थान से, और ये देखो देखो हाल देख लिया, ऐसे होगा मुझे छोड़ छोड़ के जाओगे तो। जब मार्टिन राजी हो गया, मार्टिन के पापा आ गए, और मार्टिन खुश हो गया ना, मार्टिन पापा आ गए तेरे। अब हम आ गए घर पे, और अब बनाऊंगी चाय, हस्बैंड भी अभी आए हैं, अभी बस वो कपड़े चेंज करके नहाने घुसे हैं, क्योंकि वो ट्रैफिक में आए हैं, बहुत ट्रेवल करके आए हैं, तो अभी थक चुके हैं, तो कह रहे चाय पिला दे, अब मैं बना रही हूँ उनके लिए चाय। लाइट जलाओ भाई, और अपने लिए चाय बनाऊंगी। चीनी भी हो गई खत्म, अब इसमें से पलटूंगी चीनी, मैंने पलट ली चाय पत्ती, चीनी चढ़ा दी चाय। ये है हमारी चाय, ये है इनकी चाय, और ये है मेरी। अभी आ चुके हैं, नहा चुके हैं, पूजा कर चुके हैं, और आप पी रहे चाय। आपका कैसा रहा जाना? बढ़िया होता है। कोई सही बात है, ये बात तो सही कह रहे हो यार, ऐसी जगह तो भगवान जल्दी से ना भेजे। आया हमारे गांव से सामान लेकर आए हैं, ये राजस्थान गए थे। ये देखो ये है पार्लर, खेत से तोड़ के काट के दिए, और ये है बाजरा, और ये मटर आए हैं खेत से तोड़ के लेकर आए हैं, मतलब दिए हैं, और ये तिल के लड्डू, चार लड्डू भेजे हैं, और ये है लस्सी। ये वाले बैगन भी राजस्थान से आए हैं, ये हमारे खेत से, और ये मैंने मंगवाया था कहकर कि भाई बैगन जरूर लेके आना, और ये लेकर आए हैं। ये बनाऊंगी मैं बैगन की सब्जी, और ये देखो ये बैगन देसी वाले हैं, बिल्कुल बीज नहीं है इनके अंदर, और यहाँ से बैगन खरीदो तो इतने बीज होते हैं। ये देखो चढ़ा दी मैंने कढ़ाई, और इसमें डाल दिया तेल, प्याज, अब इसमें डाल दिया बैगन। ये हो गए बैगन ब्राउन, मैंने डाल दिया इसमें मसाला, भून गया मेरा मसाला, आटा छान लिया, अभी आटा लगाऊंगी, डाल दिया पानी, और ये बनाऊंगी ग्रेवी वाले बैगन। ये बन गई है मेरी सब्जी ग्रेवी, बन गया आटा, ये देखो दोनों। अब ये लाडला, ये पापा का चमचा हो रखा है, जब से पापा आया है यहीं पर ही बैठा हुआ, देखो। अब मेरा बन गया खाना, सिर्फ रोटी रोटी बनानी है, आटा गूंद के आ गई, बैगन की सब्जी बन चुकी है, अब बस रोटी रोटी बना के और करेंगे रेस्ट। अभी तो मैंने कपड़े भी चेंज नहीं करा, आज मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, आज मुझे इतनी सर्दी लग रही थी, ये मैं पहन कर गई थी घर से, और ये रखी हुई थी शॉप पे जैकेट, और मैं इतनी मजबूर हो गई शाम में पहनने के लिए कि मैंने शाम में इसको पहना, क्योंकि आज इतनी ठंडी लहर चल रही है। तो बेटी लेटी हुई है, बेटा भी आ चुका है, तो अब बनाऊंगी रोटी और फिर बस खिलाऊंगी मेरे बच्चों को। और ये भी आ गए, ये भी थके हुए हैं, इनको भी खाना वाना दें, क्योंकि ये भी बहुत ट्रेवल करके आए हैं गाँव से, राजस्थान से। तो मैं बनाती हूँ खाना वाना। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।